بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. याद रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तक्वा अख्तियार किए रहे, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखरत में भी। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती, यही ज़बरदस्त कामयाबी है। और ये लोग जो बातें बनाते हैं तुम्हें रंजीदा ना करें, यकीन रखो इख्तदार तमाम का तमाम अल्लाह का है और वो हर बात सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। वासा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ये आयन मुमकिन है कि तुम एक चीज को बुरा समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए अच्छी है। ये भी मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी है। और असल हकीकत तो अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। वल्मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक्बद्दार। जन्नती लोगों के इस्तकबाल के लिए फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से सलाम करते हुए आएंगे और कहेंगे कि तुमने दुनिया में जो सब्र से काम लिया था उसकी वजह से अब तुम पर सलामती ही सलामती नाजिल होगी। देख लो तुम्हारे असली वतन में तुम्हारा बेहतरीन अंजाम है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान मिलता है। ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا। मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर अलैहिस्सलाम के किस्सों में सूरह कहफ के आखिर में उन्होंने फरमाया, ये था मकसद उन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। आसान तर्जुमा कुरान में हज़रत शेखुल इस्लाम तशरीह में फरमाते हैं कि इस कायनात में जितने वाक़यात होते हैं, चाहे वो हमारी नज़र में अच्छे मालूम होते हों या बुरे, उनका ताल्लुक़ एक ऐसे जहान से है जो हमारी आँखों से छुपा हुआ है, जिसको आलम तकवीन कहते हैं, जो बराह रास्त अल्लाह ताला की हिकमत और उसके तकवीनी अहकाम के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है। किस आदमी को कितने दिन जिंदा रहना है, कब उसकी मौत आएगी, कितने अरसे सेहतमंद रहेगा, कब बीमार हो जाएगा, कौन सा रोज़गार मिलेगा, कितनी रोज़ी कमा सकेगा, ये सारे मामलात अल्लाह ताला बराह रास्त तय फरमाते हैं। इन फैसलों को नाफिस करने के लिए अल्लाह ने कुछ कारंदे मुकर्रर फरमा रखे हैं जो हमारी नज़रों से छुप कर अल्लाह के उन अहकाम की तामील करते हैं। आम तौर से ये फरिश्ते होते हैं। खिदर अलैहिस्सलाम अगरचे इंसान थे मगर अल्लाह ने उनको फरिश्तों की तरह आलम तकवीन का पैगंबर बनाया था। मूसा अलैहिस्सलाम इस जीती जागती दुनिया के पैगंबर थे। वो खिदर अलैहिस्सलाम के उन कामों पर खामोश नहीं रह सके और ना उनके साथ चल सके। शेख फरमा रहे हैं, इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अल्लाह की लामहदूद हिकमत है। कोई वाक़े की समझ ना आए तो अल्लाह के फैसले पर कोई एतराज़ ना करे, क्योंकि जो हिकमत है वो हमारी आँखों से छुपी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों
उम्मत की मुकद्दस माएँ और बहनें, अल्लाह ताला आप सबको इल्म नाफे और अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। आपके वक्त में, काम काज में, रिस्क में, सेहत में, बाल बच्चों में बरकत अता फरमाए और अम्बिया सिद्दीकीन सालिहीन के साथ आपका हशर फरमाए। जब हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह पाक हमें याद फरमाएंगे। जो आदमी दीन सीखने जाए, फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं, अल्लाह की मखलूक दुआएं करती है, फरिश्तों की जमात जिक्र के हलकों की तलाश में रहती है, वहां आकर ऊपर तले जमा हो जाते हैं। इल्म का एक बाब सीख लेना 1000 रिकात नफिल से ज्यादा सवाब है। जिस जगह अल्लाह का जिक्र हो, वो आसमान में सितारों की तरह चमकते हैं। जो लोग एक जगह आए और वापस गए, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, कोई और दुनियावी गर्ज नहीं थी, ऐसे लोग कयामत में अर्श के साए में होंगे, नूर के मिंबरों पर होंगे। उम्मत के हर भाई और बहन के लिए ऊंची ऊंची नियतें कीजिए। अल्लाह पाक हम सब से राजी हो जाए, हम अल्लाह के औलिया बन जाएं, शैतान और नफ्स के बहकाने से बच जाएं, गुनाह और नाफरमानी से बच जाएं, गफलत और सुस्ती दूर हो जाए। हर वक्त की दुआ, जिक्र और अच्छी नियतें हमारे दिल में हो, जिंदगी 100% सुन्नत तरीक़ों पर आ जाए। इबादात, मामलात, माशरत, अखलाक सब आइडियल हो जाए, जिंदगी सिराते मुस्तकीम पर आ जाए, नफ्स नफ्स मुतमईन्ना हो जाए, नेकी फैलाने का जज्बा और पूरी उम्मत की खैरख्वाही आ जाए, दुनिया में हयात तय्यबा मिले, सेहत सलामती अमन चैन आसान आमदनी दुआओं की कबूलियत और आखरत में जन्नतुल फिरदौस बगैर हिसाब मिल जाए। दीन सीखना तलब और शौक के साथ है, बगैर कदर किए हुए और बगैर तलब के और शौक के किसी को कुछ नहीं मिलता। नूह अलैहि सलाम के घर वाले कुछ महरूम रहे, लूत अलैहि सलाम के घर वाले महरूम हो गए, इब्राहिम अलैहि सलाम के अब्बा महरूम हो गए, यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों को वो दर्जा नहीं मिला जो यूसुफ अलैहि सलाम को मिला। मालूम होता है कि पैगंबर के घराने में पैदा हो जाना और नस्लों की नस्लें अंबिया की या पैगंबर के घर में जाना, इन चीज़ों से ज़रूरी नहीं है कि हिदायत मिल जाए। हिदायत उसी को मिलेगी जो दीन की बात को बहुत ही शौक से, तलब से, जैसा अल्लाह फरमा रहे हैं, जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बिल्कुल 100% ठीक है, चाहे मेरी समझ में आए या ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीदा बुर्दा शरीफ इमाम शरफुद्दीन अलबूसीरी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत मशहूर कसीदा है और शुरू में उसके बहुत मशहूर जो शेर और दरूद शरीफ की पढ़ा जाता है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। मौला रहमत और सलामती नाजिल फरमाइए हमेशा हमेशा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तमाम मखलूक से बेहतर हैं। ये कसीदा लिखने वाले इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको फालिज हो गया था, बहुत बीमार हो गए थे और मदीना मुनव्वरा में उन्होंने ये कसीदा लिखा है और उनके दुखी दिल की आवाज थी, उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और अपनी एक चादर इनको इनायत फरमाई और जब ये ख्वाब से उठे तो वो चादर उनके पास मौजूद थी और उनकी बीमारी ख़त्म हो चुकी थी। और दूसरे लोगों को कैसे मालूम हुआ कि उस वक्त के अहलुल्ला और मशायख को मालूम हो गया कि इन्होंने कोई कसीदा पढ़ा, तो उससे ये कसीदा मशहूर आम हो गया और ये उसके बाद मुसलसल पढ़ा जाता है, उसकी बड़ी बरकात है। इस कसीदे में बाज जो अशआर हैं उनके जो तर्जुमे हैं बरकत के लिए यहाँ पढ़े जाते हैं। कज़हर फ़ी तरफ़ वल बद्र फ़ी शरफ़
والبحر في كرم والدهر في همم. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरोताजगी में फूल की तरह हैं, और शरफ में चौदहवीं के चांद की तरह हैं, और सखावत और करम में समुंदर की तरह हैं, और हिम्मत में पूरे जमाने की तरह हैं। कोई खुशबू उस मिट्टी के बराबर नहीं हो सकती जो आपके जिस्म मुबारक से मिली हुई है। खुश नसीब है वो जो उसको सूंघे या चूम ले। आगे फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर दरख्त सजदा करते हुए आ गए। मौजज़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरख्त को बुलाया, दरख्त आ गया। वो दरख्त आपकी तरफ चल रहे थे बगैर कदम बगैर पाँव की पिंडली पर, गोया कि उन दरख्तों ने लकीरें खींची और लिखा। और वो दरख्त उस बादल की तरह थे जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे वो भी जाता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस गर्मी से बचाता था जो दोपहर को भड़काई गई थी। आगे फरमाया, कितने ही बीमारों को शिफायाब किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली ने छूकर। कितने लोग बीमार होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेर दिया, किसी को मदीने की मिट्टी चटा दी, किसी को अपना लुआब दहन लगा दिया, किसी पे कोई दुआ पढ़ दी, ठीक हो गया, ना अस्पताल ना फार्मेसी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। कितने बीमारों को शिफायाब किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली ने छूकर। कितने ही मोहताजों को छुड़ाया दीवानगी की कैद से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने कहत वाले साल को हरा भरा कर दिया, यानी दुआ की इतनी बारिश हो गई कि हरियाली हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम काबा से एक रात में बैतुल मक़दस तक सफ़र किया, जैसे चौदहवीं का चांद सफ़र करता है अंधेरी रात में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ सातों आसमानों में यानी चढ़े चले जाते थे, जैसे कि आसमानों में सुराख हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जा रहे हैं। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी कोई इंतहा आगे बढ़ने वालों के लिए, और न कोई बुलंदी छोड़ी चढ़ने वालों के लिए। और आपको बुलाया गया बुलंद मुकाम पर अकेले, और आपने तमाम खूबियां समेट ली हैं बिला शिरकते गैरे। आगे फरमाया कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दोस्त ऐसा नहीं देखोगे जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हासिल न हुई हो, और न कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ऐसा देखोगे जिसको शिकस्त न हुई हो। यानी जो भी आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त होगा उसको मदद मिलेगी, और जो दुश्मन होगा उसको शिकस्त होगी। तो इस कसीदे में बड़े बाबरकत असल अशआर तो अरबी में है, लेकिन उसका मफहूम बताया गया कि ये कसीदा भी गमों को दूर करने में, दुआओं की कबूलियत में, ये अल्लाह के दरबार में ये बड़ी उम्दा चीज़ है। तालीम की जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं मुख्तलिफ मलफूजात, तो एक दफ़ा उनके नाम बता देते हैं ताकि ये घरों में किताबें पढ़ी जाएँ। फ़ज़ाइल की किताबें रियादुस सालिहीन इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह की, और फ़ज़ाइल दरूद फ़ज़ाइल आमाल फ़ज़ाइल सदक़ात शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की। ज़िक्र दुआ और वज़ाइफ में मुनाजात मकबूल हकीम उल्लुम्मत की, हिज़्बुल आज़म मुल्ला अली क़ारी, पुरनूर दुआएँ शेखुल इस्लाम हिस्नुल हसीन अल्लामा जज़री, और ख़वातीन की अजीम तारीख़ी शख्सियात उस पर किताब है मिसाली ख़वातीन, ये अदारा तालीफ़ात अशरफिया मुल्तान की किताब है। रिस्क की परेशानी के लिए शेख मूसा बाज़ी रूहानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है रिस्क औलिया के पोशीदा असबाब। तज़किया नफ्स के लिए उर्दू में किताब है अलामात मोहब्बत, और अल्लाह ताला बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये मौलाना अरसलान साहब की किताबें हैं। और जज़ाउल आमाल हकीमुल उम्मत, परेशानियों का इलाज सुकून कल्ब, ये आरिफ बिल्ला हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिफ हैं और शेखुल इस्लाम के भी उस्ताद हैं। ला तहज़न गम ना करें, डोंट बी सैड, और दुनिया की सबसे खुश औरत, यू कैन बी द हैप्पीएस्ट वूमेन इन द वर्ल्ड, ये किताबें हैं डॉक्टर आयद अल करनी की।
परेशानियां और उनका इलाज मुफ्ती अब्दुल रऊफ सखरवी रहमतुल्लाह अलैह, इसमें मलफूजात हैं मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के, जो मजालिस मुफ्ती आजम से लिए गए, और डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह की एक और एक छोटा सा किताबचा है, जो एक खत है जो उन्होंने बड़ी उम्र के एक आदमी को लिखा था, और उसका नाम है जिंदगी से बेजारी क्यों। उसमें उन्होंने बताया था कि बुढ़ापे के बावजूद जब तमाम कुव्वतें कमजोर हो जाती हैं, कितनी अल्लाह की रहमत होती है और अब भी कितनी नेकियां कमा सकते हैं। तो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किताबें पढ़ी जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान शरीफ में 7 आयतें हैं जो मुंजियात के नाम से मारूफ हैं, और उनके फजाइल बुजुर्गों में तजुर्बे से मुसीबत और गम को दूर करने के लिए, वो आसमान जमीन पर गिर पड़े या पहाड़ गिर जाए तो भी उसकी बरकत से अल्लाह ताला इस आदमी को नजात देंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 51, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना हुवा मौलाना व अला अल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। सूरह यूनुस आयत नंबर 107, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ। سورة هود آيت نمبر 6 نمبر 6 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ। सूरह हूद आयत 56, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुन बिनाकियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम। सूरह अनकबूत आया नंबर 60, व कअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। सूरह फातिर आयत नंबर 2, مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। پھر سورة زمر آیت نمبر 38, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ। ये आयतें पूरी हो गई, इनको लिख कर कोई पोस्टर बना के अपनी जबान में तर्जुमा भी देख लें। सारी की सारी ये आयात तौहीद और तवक्कुल की है। आज दुनिया में जो फसाद है वो खुद गर्ज अकल की वजह से है, मादा परस्ती, नफ्स परस्ती, ख्वाहिशात की गुलामी, अपने वक्त और ताकत और अकल को ख्वाहिशात में लगा रखा है। घरों में झगड़े, जबान पर शिकायतें, दिल की दुनिया वीरान, नफरतें, गुस्सा, चीख पुकार, कीना, हसद, इंतकाम, हिर्स और तकब्बुर और गुरूर और गीबत। कायनात में खैर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नया मकान है, हर वक्त सफाई करो, पॉलिश करो, वरना मकड़ियां लग जाएंगी और उसके अंदर जो है जानवर, कीड़े मकोड़े और तरह तरह की चीजें छिपकलियां आने लगेंगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जितना बड़ा मकान होगा उतना सफाई करते करते थक जाओगे। खैर लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और शर तो फौरन आ जाता है। दुनिया में कोई चोर डाकू बनाने का ना कोई कॉलेज है, ना स्कूल, ना यूनिवर्सिटी, लेकिन इतने चोर इतने डाकू कहाँ से आते हैं? हाईली स्किल्ड। मालूम हुआ कि ये जो काबिलियत थी इंसान के अंदर पहले से रखी हुई, खैर पर मेहनत नहीं की तो शर आ गया। तो दिमाग कारखाना है, और जो फरमाते हैं बाज़ लोग कि यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाते हैं वही आपका जिस्म बनता है, और उसी को समझ ले कि यू आर व्हाट यू थिंक, जो आप सोच रहे हैं आप वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए अच्छी अच्छी बातें, ऊंची ऊंची बातें, पॉजिटिव थिंकिंग, बड़े आला आला नियतें करें तो आप वैसे ही हो जाएंगे। हिदायत नहीं मिली तो खाना पीना, सोना, काम काज, तकरीबात, शादी ब्याह, मौत गम, सारा काम उल्टा हो जाएगा। फिर आगे जाके कब्र, हशर, मीजान, सिरात सब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हिदायत नहीं मिली।
दुनिया जो है इसमें इम्तहान हॉल का पर्चा है, ये सिफात के लिए एक पर्चा है, इम्तहान हो रहा है। इंसान आम तौर से दुनिया कैसे गुजारता है? 6 महीने का बच्चा है, उससे पूछो कि भाई जिंदगी का मकसद क्या है। बच्चे ने कहा मेरे पास एक 50 सेंट का खिलौना है, झुनझुना बेबी टॉय, ये मेरी जिंदगी है, और ये नहीं हो तो लकड़ी और रबर और पत्थर का जो टुकड़ा मिल जाए मैं इसको चूस लेता हूँ और इसकी आवाज से खुश हो जाता हूँ। तो अगर कोई आकर उसका खिलौना छीन ले और उसको $10,000 दे दे, गोल्ड डायमंड दे दे, वो फेंक देगा, भाई मेरा खिलौना चाहिए, उसमें अच्छी आवाज निकालता है। थोड़ा और बड़ा हुआ, 6 साल का हो गया बच्चा, अब क्या हुआ, उसने प्लास्टिक के गुड्डे, गाड़ियां, कागज की कश्तियां बनानी शुरू कर दी। बर्फ पड़ी तो मट्टी को उसने बर्फ जमा करके उसका गुड्डा बनाया, और मट्टी ली और उससे घर बनाया, और कोई ये चीजें छीन ले तो अब रोएगा, लड़ाई होगी उसके ऊपर। मुफ्ती आजम जब छोटे थे तो अपने खानदान के लड़कों के साथ लकड़ी के टुकड़े, सरकंडे, उससे खेला करते थे। एक दिन किसी ने, उनके कजन ने, सारे सरकंडे तोड़ सारे लूट लिए, तो मुफ्ती आजम इतना रोए, इतना रोए कि मेरी तो पूरी दुनिया ही लूट गई। बाद में जब बड़े हुए, इल्म हासिल किया, तो मालूम हुआ कैसे बड़े बेवकूफी थे। सबको ये किस्सा सुनाया करते थे, जो लोग परेशानी लेकर आते वो कहते देखो बचपन में मैं भी ऐसी था। और बड़े हुए, 14 साल के हो गए, तो अब फैशन है, डेकोरेशन है, सजावट, बनावट, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, आईना, कंघी, परफ्यूम, ये है जिंदगी का मकसद। और ये चीजें छिन जाएं तो परेशानी परेशानी। और बड़े हुए तो भाई कोई अम्मा अब्बा पसंद की जगह शादी नहीं करने देते, तो इसलिए परेशान हो गए। चलो शादी भी हो गई, और बड़े हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, तो बास घर ऐसे हैं, शौहर बीवी एक दूसरे से तंग, घर है, सवारी है, कपड़े हैं, बच्चे हैं, खुशी नहीं है, खुशी कहाँ चली गई? एक अरबपति की बीवी शेखुल इस्लाम के पास आके शिकायत करती कि मैं तो इतना परेशान हूँ, मुझसे तो झोपड़ी वाली अच्छी। इंडिया में बाज नवाब होते थे, बड़ी बड़ी इस्टेट्स हैं, बड़ी रियासत है, और दस्तरखान पर सैकड़ों खाने लगते हैं, दर्जनों मेहमान खाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने इनको खाने से मना कर दिया है, आप कुछ नहीं खा सकते, आप सिर्फ सूप पी सकते। फिर और बड़ी उम्र हुई तो अब उसके बाद आदमी के पास लाखों करोड़ों होते हैं, लेकिन बीमारी है, सेहत नहीं है। एक मुल्क का बादशाह बीमार हुआ और उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया। उसने सारी फौज को जमा किया, हजारों डॉक्टर जमा किए, सारी अपने खजाना सामने रखा कि अरे भाई मेरी जिंदगी का एक दिन बढ़ा दो, ये सारा ले लो। किसी ने मदद नहीं की, भाई अब तो आपको जाना है। कब्र में गए तो पहली रात में बादशाह और उसके नौकर सब बराबर हो जाते हैं, और बादशाह अपना सारी बादशाहत और महलात को पहली रात को ही भूल जाते। उसके बाद आगे हुए, कयामत का दिन आया, बरजख, तो उससे पहले कब्र में, बरजख में इंतजार में रहते हैं सब। कोई है जो मेरे लिए ईसाले सवाब करे, कोई जिक्र दरूद शरीफ दुआ सदका करके आगे भेजे। फिर हशर का मैदान आया तो हजारों बरस पसीने में गर्क हैं, इंसान बेचारे को छुट्टी नहीं है, तकलीफ में। और मौत के बाद आगे आने वाले हालात में हर स्टेज जो है वो पहली स्टेज से यानी और लंबी, और उसमें मालूम नहीं क्या क्या चीजें। इसलिए जो आदमी आखरत का गम करेगा, दुनिया का गम हल्का हो जाएगा। हशर में हजारों बरस पसीने में गर्क हैं, 50 अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन है, और वो कहेंगे अल्लाह जल्दी से हिसाब शुरू कर दीजिए। फिर अल्लाह बचाए जिनको जहन्नम में जाया डालना पड़ा, वो तो वहां कहेंगे कि काश एक दिन भी जरा सा आग हल्की हो जाती, अजाब हल्की हो जाती। एक आदमी ने दुनिया में बड़ी मेहनत की, हर तरह का ऐश और आराम पाया, बहुत को भी खुशी, उसको ना कोई बीमारी आई ना कोई परेशानी आई, बड़ा खुश खुश गया, लेकिन दीन पर मेहनत नहीं की, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर ही चला गया। तो कयामत में अच्छा इसको जहन्नम में भेजो, और उससे पहले जहन्नम का एक नज़ारा दिखाओ इसको। फिर अल्लाह पूछेंगे आदम के बेटे तुमको दुनिया की कोई खुशी याद है, ऐश और आराम?
वो कहेगा नहीं मेरे अल्लाह मुझे पूरी जिंदगी में कोई खुशी पहुंची नहीं, भूल गया सर। एक दूसरा आदमी आएगा, कोई गरीब है, बदहाल है, हो सकता है माजूर हो सकता है उसकी आंखें ही नहीं थी, नाबीना था दुनिया में, हाथ पांव नहीं थे, लेकिन ईमान पर उसने, ईमान और अमल पर खात्मा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कयामत में उसको कहेंगे वेलकम, जन्नत में जाइए, और पहले जन्नत को एक नज़र देखिए बाहर से, फिर अल्लाह ताला पूछेंगे आदम के बेटे तुमको दुनिया की कोई परेशानी और कोई बीमारी और कोई तकलीफ याद है? कहेगा नहीं मेरे अल्लाह मुझे तो पूरी जिंदगी में कोई परेशानी आई नहीं। तो इसलिए अपना दिल बड़ा करे आदमी, अपनी नियतों को, अपनी हिम्मतों को बुलंद करे कि अभी जो हो रहा है ये असल नहीं है, जो आंख से दिखाई दे रहा है वो कम है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत लंबा है। रोजाना सुबह 3 मरतबा जो ये दुआ पढ़ ले उसको कोई नुकसान और हादसा नहीं आएगा। तिर्मिजी शरीफ में है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वहुवस समीउल अलीम। उस अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से जमीन व आसमान में कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो बहुत खूब सुनने वाला जानने वाला है। और बुखारी शरीफ में एक दुआ है, बुरी तकदीर और दुश्मनों के हसद से बचने के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शका व सूइल कबा व शमातिल अदा। अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ सख्त मशक्क़त से, बदबख्ती आ जाने से, बुरे फैसले से, दुश्मनों के खुश होने से। और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें जो सूरे कसस में है, रब्बे इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब आप जो भलाई भी मेरी तरफ भेजें बेशक मैं उसका मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के खौफ से भागकर दूसरे मुल्क पहुंचे, मदियन में। न घर है, न बीवी है, न कोई जॉब है, न कोई रोजगार है, कुछ भी नहीं है। एक दुआ पढ़ी सारी चीजें मिल गईं, घर मिल गया, बीवी मिल गई, 10 साल जॉब मिल गई, सारे मसले हल हो गए। रब्बे इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। जब किसी दूसरे आदमी को देखें कि मुसीबत में है, बीमारी में है, तो अल्लाह का शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तला कबिही व फ़ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये तिर्मिज़ी शरीफ में है कि जो आदमी ये दुआ पढ़ेगा जिंदगी भर उसको वो तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे उस चीज से बचाया जिसमें तुम्हें मुबतला किया, और मुझे अपनी मखलूक के बहुत से लोगों पर फजीलत अता फरमाई। खुद पर जब कोई मुश्किल आ पड़े, मुसीबत आ पड़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। सही मुस्लिम में है, जो आदमी ये कलिमात पढ़ेगा अल्लाह उसका मुसीबत का बेहतरीन बदला अता फरमा देंगे, उससे अच्छी चीज दे देंगे। यकीनन हम अल्लाह की मलकियत हैं, उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं, अल्लाह मुझे इस सदमे में, मुश्किल में अजर दीजिए और उससे बेहतर चीज अता फरमाइए। कोई आदमी कर्ज में दब गया हो, तिर्मिजी शरीफ में दुआ है, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह मुझे हराम के बजाय हलाल के पर किफायत दीजिए अपने फजल व करम के साथ, और दूसरों से मुझे बेनियाज कर दीजिए। और अबू दाऊद शरीफ में एक दुआ है, बेकरारी के वक्त ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आयन व असलिह ली शानी कुल्लहू ला इलाहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह मैं आपकी रहमत की उम्मीद रखता हूँ, आंख झपकने के बराबर भी मुझको मेरे नफ्स के हवाले मत कीजिए, मेरे तमाम काम ठीक कर दीजिए, आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह देखो, किताबें और लिखी हुई चीज पढ़ने का फायदा यह है कि लोग दुनिया से चले गए, उनकी तहरीरें बाकी रहती। हमारे एक मामू मरहूम थे, सन 2013 में या 11 में उनका 77 साल की उम्र में इंतकाल हुआ।
उससे पहले 10 साल पहले, आज से 15-20 साल पहले, हजरत ने खत लिखा था। उसके अंदर कुछ नसीहतें लिखी थी, तो वो पढ़कर सुनाई जा रही। तो ये पढ़कर दुआ करें हमारे मामू मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बेहतरीन जिंदगी के रहनुमा उसूल, नंबर 1, अगर किसी को नफा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान मत पहुंचाओ, अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा भी मत करो, अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई मत करो। और इंसान दुनिया के मामले में अपने से छोटे और कम हैसियत वाले की तरफ देखे, ताकि उसको नेमत के शुक्र की तौफीक हो। दीन के मामले में हमेशा अपने से आला और अफजल को देखे, ताकि मजीद नेकियों का शौक पैदा हो। अल्लाह ताला की जात ऐसी बाबरकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। पूरे कुरान शरीफ में पैगंबरों के किस्से में यही मिलेगा, इन्ना अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह ताला बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तफसीर उस्मानी में किस्सा है, जो फरिश्ते आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर, सूरह हूद में है, सूरह हूद आयत नंबर 71 और 73, उसकी तफसीर पढ़िए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 साल से भी ऊपर के थे, और सारा अलैहिस्सलाम 99 साल, यानी और वो भी बड़ी बूढ़ी थी, और उनके घर में औलाद नहीं थी। फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए, लीजिए आपके यहाँ लड़का होगा, उसका नाम होगा इसहाक, नाम भी लेकर आए। तो सारा अलैहिस्सलाम उनको बड़ी हैरत हुई, हालत या वैलता अलिदु व अना अजूजू व हाजा बाली शेखा, हाय मैं इस हालत में बच्चा जनूंगी कि मैं बूढ़ी हूँ और मेरे शौहर भी बुढ़ापे की हालत में है। उन्होंने ताजुब किया, इन हाजा ल शैउन अजीब, तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद, क्या आप अल्लाह के हुक्म पर ताजुब कर रही हैं? आप जैसे मुकद्दस घराने पर तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें। मुकालमा हो रहा है फरिश्तों से और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों। तो फरिश्तों ने आगे वही बताया कि इसहाक जो है उनकी नस्ल में आगे एक और लड़का होगा, आपके यहाँ पोता भी होगा, उसका नाम याकूब होगा। 100 साल के हैं मियाँ बीवी, कह रहे हैं आप घबराइए नहीं, आपके यहाँ एक लड़का होगा, पोता भी होगा, और आगे जो है नस्लों की नस्लें, बनी इसराइल के सैकड़ों पैगंबर इसी खानदान में आए, जिसके यहाँ 100 साल तक कोई औलाद ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला जिस हाल में रखें, आगे क्या मालूम है, आगे तकदीर क्या होने वाला है। इंसान और जिन्नात को कायनात में एक नौकर गुलाम है, ये अल्लाह के सामने अब्द है। बाकी चीजों का काम मुकर्रर है, इंसान और जिन्नात का काम मुकर्रर नहीं है। जब चलाएं तो चलो, रोक लें तो खड़े हो जाओ, बांध दें तो बंध जाओ, और खोल दें तो खूब उछलो कूदो, और दौड़ने को कहें कि भाई हज पर गए हो सही में, अब दौड़ो तो खूब दौड़ो, और जब कहें कि चक्कर लगाओ तवाफ में तो चक्कर लगाओ, और जब खिलाएं तो खाओ सेहरी में, और जब कहें कि मत खाओ रोजे में तो मत खाओ। तो इंसान का असल में काम है कि मियाँ फलाने ऐसा करो कि ये लो शाही ताज और तख्त, और ये अच्छे कपड़े पहनो, आज तुम बादशाह हो। तो इंसान ने कहा यस सर, खुश हो गया और बादशाहत शुरू कर दी। अगले दिन उसको हुक्म आया कि अरे फलाने, ये उतारो बादशाह का कपड़े और ताज वगैरह वापस करो, चलो जो है वो झाड़ू लो और जाके ये बाथरूम साफ करो। तो इंसान ने कहा यस सर जी अच्छा। ये है इंसान का कायनात में मुकाम। और जिन लोगों को समझ में नहीं आती तकदीर, तो फिर वो परेशान रहते। ये परेशानी और ये उदासी और ये इस किस्म की जो बातें, रंज और गम, देखो उर्दू में कितने अल्फाज हैं, हम गम परेशानी अफसोस हसरत। उर्दू पढ़ो, बच्चों को उर्दू सिखाओ, बहुत फायदे में रहोगे। तो ये चीजें इस वजह से होती हैं कि इंसान एक ख्याली पुलाव पका लेता है, एक वर्चुअल बिरयानी।
मेरे लड़के के यहाँ लड़की होनी चाहिए और मेरी लड़की के यहाँ लड़का होना चाहिए, फिर उन दोनों की नवासी पोतियों की हम शादी करेंगे। इंसान ने ख्याली पुलाव बना लिया और उसके बाद बैठ गया कि अल्लाह ताला इसको ठीक कर दें, ऐसा ही कर दें जैसा हम सोच रहे हैं, और जब वो होता नहीं है तो परेशान हो गया। सारी परेशानी की वजह बंदे की तजवीज़ है कि बंदे ने खुद से कुछ तय कर लिया है कि बस मुझे तो इधर से ही जाना है। एक छोटा बच्चा था, उसको शरारत में बच्चों ने उसको बंद कर दिया एक कमरे में और वो खूब चीखता चिल्लाता अब कमरे के अंदर शोर कर रहा है। तो उसको किसी अकलमंद ने बताया कि कमरे के पीछे इतना बड़ा सुराख है, वहां से निकल कर बाहर चले जाओ। बच्चे ने कहा नहीं, जिस दरवाजे से मुझे बंद किया है बस उसी से बाहर निकलूंगा, उसी दरवाजे को पीट रहा है। हत्ता कि उसको किसी बच्चे ने बाहर से उसको कुछ बुरा भला कहा तो उसने थोड़ी देर के लिए सुराख से निकलकर बाहर गया गली में और उस बच्चे से लड़के वापस सुराख से आके अंदर कमरे में बैठ गया कि नहीं निकलूंगा तो मैं इसी दरवाजे से निकलूं। ये इंसान का हाल है। अरे मियाँ, पचासों दरवाजे और हैं, उधर भी देखो, अपनी सोच को रोक कर बैठ गए हैं परेशानी की वजह से। शेख ने एक गुलाम खरीदा, नौकर लाए और घर में लाए। मियाँ क्या नाम है तुम्हारा? नौकर ने कहा जी आप मेरे आका हैं, आपने मुझे खरीद लिया है, जो नाम आप रखें वही मेरा नाम है। शेख ने कहा कि भाई ये कौन से कपड़े पसंद करोगे? उन्होंने कहा भाई आप मेरे आका हैं, जो कपड़े आप देंगे हम उसी में खुश रहेंगे। शेख ने कहा कौन सा खाना खाओगे? बहुत खाने पकते हैं हमारे। उन्होंने कहा जी आपने मुझे खरीद लिया है, आप जो खाना खिलाएंगे वही हम राजी रहेंगे। शेख ने कहा कि कोई कमरा पसंद कर लो, फर्नीचर पसंद कर लो। उन्होंने कहा जी आप तो मेरे आका हैं, आप जहाँ रखेंगे हम उसी में खुश। शेख ने कहा भाई मालूम होते हो कि तुम पहुँचे हुए अल्लाह वाले हो, तुम मुझे सिखा रहे हो कि मैं अल्लाह जो खालिक मालिक कायनात है उसके सामने मैं किस तरह बिहेव किया करूँ, तो जाओ तुम आज़ाद हो, नौकर को आज़ाद कर दो। अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात चल रही थी कि जो परेशानी है उसकी वजह ये है तजवीज़, कि अपनी तरफ से कुछ तय कर लिया है, ख्याली पुलाव पका लिया है। एक आदमी था, उसने कहा कि मुझे बादशाह की शहजादी से शादी का इरादा है, प्रिंसेस से, और 50% मैं उस पर कामयाब भी हो गया हूँ। तो लोगों ने कहा कैसे? उसने कहा मैं तो राजी हूँ, बस बादशाह राजी हो गया, 50% काम हो चुका। दूसरा किस्सा है कि एक साहब जो है शेख चिल्ली, उनका वो सर पर एक टोकरी लेकर जा रहे थे बाजार से, उसमें मुर्गी के अंडे रखे हुए थे और वो सोच रहे थे कि आगे जो है मैं इन अंडों से मुर्गियां निकलेंगी और मुर्गियां बड़ी होंगी तो उनको बेच के बकरियां खरीदेंगे, बकरियां बड़ी होंगी तो उनको बेचकर गाय खरीदेंगे, भैंस खरीदेंगे और जानवर, फिर वो बड़े होंगे तो उन जानवरों को बेच के बड़े बड़े महल पैलेस खरीदेंगे, बड़ी बड़ी जगह पे शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर जब मुझसे कोई आदमी कुछ मांगने के लिए आएगा तो मैं उसको कहूँगा हुश, चलो हटो। तो इतने हुश कहने में वो टोकरी गिर गई और सारे अंडे टूट गए। तो उनका बना बनाया जो उनका ख्याली जादू और आगे की जिंदगी थी सारी तबाह बर्बाद हो गई। एक बादशाह था, उसने सारे गोल्ड सिल्वर खूबसूरत लोग फल और फूल जमा किए और ज़मीन में जन्नत बनाई, शद्दाद की जन्नत। जब तैयार हो गई तो बादशाह घोड़े पर सवार देखने को आए, इंस्पेक्शन टूर। एक कदम जन्नत के बाहर और एक कदम अंदर मलकुल मौत आ गए, उसकी रूह लेके चले गए। वो बेचारा दाखिल भी नहीं हो सका अंदर। एक और बादशाह था, उसके पास बहुत ही माल महलात और जायदादें, सोना चांदी, लेकिन बहुत गमगीन रहता था, बहुत परेशान रहता था। उसने देखा कि महल में एक आदमी झाड़ू दे रहा है, शीशे साफ कर रहा है और बड़ा खुश है, गुनगुना रहा है। तो बादशाह ने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, मैं इतना परेशान, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये क्यों इतना खुश है? तो वजीर ने कहा, मिनिस्टर ने, कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको भी आपकी तरह बना देता हूँ। लाइए एक जरा थैली दीजिए गोल्ड कॉइन्स की, मैं जाके इसको अभी आपकी तरह बनाता हूँ। उसने एक थैली में, उस आदमी के झोंपड़े में रहता था, उसके दरवाजे पर जाके वो थैली डाल दी। पहले तो बड़ा खुश हुआ, फिर उसने उस थैली को काउंट किया
उसमें 99 गोल्ड कॉइन निकले। तो उसने कहा ये बात ठीक नहीं, इसको 100 होना चाहिए, 99 से क्या होता। हालांकि उसमें उसकी कई पुश्तें जनरेशन खाते आराम से, 100 नहीं थे वो। तो उसने कहा एक मुझे और चाहिए, एक गोल्ड कॉइन वो गरीब झाड़ू लगाने वाला कहाँ से लाए। एक जॉब, दो जॉब, तीन जॉब, दिन भर बेचारा काम करने लगा, गम उदासी परेशानी में मुबतला हो गया। थोड़े दिन बाद बादशाह ने देखा ये तो बिल्कुल मेरी तरह हो गया। तो वजीर ने कहा हुजूर ये भी आपकी तरह 99 के क्लब में दाखिल हो गया, ये मसला है परेशानी का। एक गरीब आदमी था, अफसोस कर रहा था कि मेरे पास तो जूते ही नहीं है। यहाँ लोगों के मुंह लटक जाते हैं कि हमें तो ईद बकरीद में जूते नहीं मिले। हत्ता कि फकीर भी बाजार में आवाज देते रहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए जूते दिला दो। भाई पहले से नहीं है क्या? तो एक आदमी जा रहा था कि उसके पाँव में जूते नहीं थे। आगे एक और आदमी को देखा कि उसके तो पैर ही नहीं है। तो अब समझ में आया कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि पैर तो है। एक बुजुर्ग अपने घोड़े पर सवार खड़े हो जाते और कहते सारी जमीन मेरे पाँव के नीचे है, यानी पूरी जमीन, उसके जितने खजाने, बादशाह, मुल्क, आप जमीन में कहीं भी खड़े हो जाओ, बाकी सारी चीजें आपके पैर के नीचे। वो यही कहते थे। शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके शागिर्द आ जाते कि मैं बड़ा अमीर हो जाऊं हजरत। तो हजरत कहते कि देखो ये शहर है, इसकी सारी दुकानों का मालिक मैं हूँ, फर्ज कर लेते हैं। और ये जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने कैश रजिस्टर पे हैं, मुलाजमीन हैं, मैनेजर हैं, ये मैंने ही तो बैठा रखे हैं। और महीने के आखिर में जो मेरा रिस्क है वो अल्लाह ताला इस सिस्टम में से निकाल के मुझे दे दे, बस खुश हो जाओ, पूरे शहर के मालिक हो जाओ। जिस आदमी को ख्वाहिश हो कि 100 एकड़ जमीन हो, उसमें बागात हो, उसमें परिंदे हो, मुलाजमीन हो, लाखों का खर्च हो उसमें, और उसमें परिंदे चहचहाते हों, तो कितना खर्च करना पड़ेगा? भाई सुबह सवेरे उठो, दो पहाड़ों के बीच में किसी हरी भरी वादी में जाके कहो कि भाई ये तो मेरी है, सोच के खुश हो जाओ। जितने असबाब होंगे उतनी मुश्किल में पड़ेंगे अगर खुद इंतजाम करना पड़ा। जितने ऊपर से गिरोगे उतनी चोट लगेगी। सबसे ज्यादा चोट किसको लगी? फिरौन को लगी। जितने ऊपर से गिरोगे उतनी चोट लगेगी। हकीम लुकमान के पास फरिश्ते आ गए, फजाइल सदकात में किस्सा है। लुकमान तुमको बादशाह बना देते। लुकमान ने कहा नहीं 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 बादशाह हरगिज नहीं बनूंगा। बादशाह तो बड़ी सख्त जगह पर होता है, तरह तरह के मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं और उसको हक के रास्ते से भटक जाएगा वो। तो उसके बाद जब वो सो गए तो अल्लाह ताला ने उनको हकीम बना दिया, हिकमत की बातें जबान पे जारी कर दी। और अल्लाह ने कुरान में सूरह लुकमान नाजिल फरमाई जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे की बातें नकल कर रहे हैं। वही क़ाल लुकमान, लुकमान ने ये कहा, अल्लाह ताला उसके लिए आयतें उतार रहे हैं कि लुकमान ने ऐसा कहा। इतना बड़ा शर्फ अता फरमाया। अल्लाह के खजाने लाम उतना ही, इन्फिनिट, लिमिटलेस। अगर पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात एक जगह जमा हो जाएं, अपनी अपनी जबान में, सैकड़ों मुल्कों के लोग, हजारों जबानें बोलने वाले, मांगें अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, अल्लाह ताला सब कुछ दे दें, उसके बाद भी अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं होती कि समुन्दर में उंगली डुबो कर निकाल लो और समुन्दर में सुई डुबो कर निकाल लो। तो दुनिया में कोई चीज की कमी इसलिए नहीं है कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी है, बल्कि दुनिया इम्तहान है। असल जिंदगी ये वाली नहीं है, इसके बाद वाली है। वनब्लूकुम बिश्शर्र वल खैर फितना व इलैना तुरजाउन। हम तुमको बुरी और अच्छी हालतों से आजमाते हैं और तुम जरूर हमारे पास वापस लाए जाओगे। हकीम उलूमत फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू, ये जो कुरान पाक में आयत है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, मुसलमान उनको अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत होती है। शेख फरमा रहे हैं किसी मखलूक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के मुशाबे भी ना होनी चाहिए। खुदा का रंग ऐसा गालिब होना चाहिए कि सारे आलम पर जाहिर हो जाए ये लोग ऐसे हैं कि इनको सवाए अल्लाह के किसी से कुछ मोहब्बत नहीं है। तमाम आलम से कह दो हमने एक अल्लाह की जात से इलाका जोड़ लिया है, ताल्लुक जोड़ लिया है, जो उससे मिले वो हमारा दोस्त है, जो उससे अलग है वो हमसे अलग। कह रहे हैं कि मुसलमानों खुदा के साथ वो हालत तो होनी चाहिए जो एक महबूब मजाजी के साथ होती है,
कि हर दम आशिक उसकी धुन में रहता है, गो दुनिया के सारे धंधे भी करता है, मगर महबूब का ख्याल दिल से नहीं उतरता। क्या अल्लाह की मोहब्बत मखलूक की मोहब्बत से भी कम हो गई? सूरह नूर में अल्लाह ताला तारीफ फरमाते हैं, रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह। ये ऐसे लोग हैं जिनको तिजारत और खरीद व फरोख्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। पर अल्लाह की याद का मतलब ये नहीं है कि बीवी बच्चों को छोड़ के जंगल में बैठ जाओ, बल्कि जितने पैगंबर आए सबके बीवी बच्चे भी थे, फिर भी वो अल्लाह के बड़े पहुंचे हुए बुरगजीदा बंदे बने। शेख फरमा रहे हैं, अगर दुनिया में उम्र भर ऐश किया और मरने के साथ ही पकड़ा गया तो ऐश क्या काम आएगा? फिर आगे फरमा रहे हैं, देखो हकीमुल उम्मत, उन्होंने 80 साल से ऊपर की उम्र पाई, 20 साल की उम्र में आलिम बन गए थे, 30 साल की उम्र में शेख बन गए थे, आगे 50 साल पूरे इंडिया में, जो इंडिया उस जमाने का, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश पता नहीं कहाँ कहाँ के मुल्क थे, उसमें हजारों उनके लोग, उनके शागिर्द, बड़े बड़े उलमा जो बाद में मुफ्ती आजम बने, बड़े बड़े यानी जो स्कूलों के पढ़े हुए बड़े बड़े नवाब उनके शागिर्द, तो पूरे इंडिया में वो जा जा के घर घर में कहाँ कहाँ वो सैकड़ों के मजमे बयानात करते थे, और 1,000 से ऊपर उन्होंने किताबें लिखी। तो इस किस्म के जो वाकयात है ना, परेशानी हो गई, ये तो उनको हजारों खतूत और हजारों लाखों लोगों ने लिखा होगा। तो अब आखिर में वो अपना नुस्खा बयान करते हैं, जो आप गौर से सुनिए और उसको मुख्तलिफ जबानों में लिख के पोस्टर बना के अपने घर में लगा लीजिए। फरमा रहे हैं, तमाम खराबियों की जड़ वो ये है कि कल्ब का दुनिया पर करार हो जाना और आखरत के लिए कल्ब का बेचैन ना होना। दिल जो है वो दुनिया की जरा सी कमी पर तो परेशान है और आखरत के लिए कोई बेचैनी नहीं है दिल में, यही जड़ है तमाम बीमारियों की। इस इत्मीनान को दिल से निकालो, इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस थिंकिंग को, इस तरीका जिंदगी को बदलो, यू टर्न लो। कल्ब का दुनिया पर करार हो जाना और आखरत के लिए दिल का बेचैन ना होना, यही जड़ है तमाम बीमारियों की। उसको दिल से निकालो। उसका तरीका ये है कि अल्लाह की इताअत को अपने ऊपर लाजिम कर लो, उसमें असर खास है, उससे फिक्र पैदा होगी, फिक्र पैदा होने से सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे। आगे हजरत ने फरमाया, मुसीबत हल्का करने की तदबीर है कि अपने गुनाहों को याद करे, दूसरी तदबीर है मुसीबत के सवाब को याद करे, तीसरा ये समझे कि इससे मेरे ईमान की आजमाइश है, इससे मेरे ईमान की आजमाइश है, और चौथा ये है कि इससे अब्दियत गालिब होती है और दावा और गुरूर और तकब्बुर का मैल कुचैल कम होता है, अपनी हकीकत समझ में आती है, और कोई आदमी मुश्किल में है तो उसको अल्लाह ताला की अजमत समझ में आती है और अपनी आजजी और मिस्कीनी समझ में आती है, और उससे अब्दियत का गलबा होता है, और ये आला मुकाम है, यानी तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है। एक छोटा बच्चा होता है, बेबी, बेबी साहब बाहर खेलने को गए और मट्टी में खेल के लतपत हो गए, बड़े खुश, मैं तो बड़ा अच्छा हो गया, अम्मा ने पकड़ा उसको और जाके उसको नहलाना शुरू किया। बेबी क्या करता है, चीखना शुरू कर देगा, अभी ये तो मैं तो क्यों, आप मट्टी हटा रहे हैं। तो अम्मा ने उसको धुला धुलाया और बेबी चीखता रह गया। इसी तरह बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल नहीं जाते, सुबह को अम्मा उठाएंगी, जूते पॉलिश करेगी, उसको जो है वो खाना खिलाएंगी, लंच बॉक्स देंगी, बस्ता तैयार करके देंगी, बच्चा बहाने बना रहा है मुझे नहीं जाना स्कूल, अम्मा ने छोड़ के स्कूल बस में पहुंचा के आई। तो छोटे बच्चे को समझ में नहीं होती, बड़ों की समझ होती। बिल्कुल इसी तरह इंसान को अल्लाह के सामने उसकी सारी दुनिया भर की जहानतें, अकल, समझ ये फेल है, उसको क्या मालूम कि आगे अल्लाह ने उसके लिए क्या रखा। जो शुरू में आयत पढ़ी गई कि वासा अन तकरहु शैअं वह हुवा खैरुल लकुम, वासा अन तुहिब्बु शैअं वह हुवा शर्रुल लकुम। तुम समझते हो कोई चीज़ अच्छी है, हो सकता है उसमें कोई बुराई है, तुम समझते हो कोई बुराई है, हो सकता है उसमें अच्छी हो, अल्लाह जानते हैं तुम नहीं जानते। युदब्बिरुल अम्र मिनस्समाए इलल अर्ध, आसमान से लेके जमीन तक तमाम कामों का इंतजाम अल्लाह ताला खुद फरमाते। अल्लाह, एक बच्चा, बच्चों की अकल, एक बच्चा बैठा था आम के दरख्त के नीचे, मैंगो ट्री के नीचे बैठा था,
और वो देख रहा था कि ये दरख्त तो बहुत ऊंचा है, उसमें बड़े बड़े पत्ते हैं और फल फ्रूट उसमें बड़े छोटे छोटे लगे हुए हैं। आम का दरख्त है, मैंगो ट्री, बहुत ही ऊंचा और उसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। तो बच्चे ने कहा कि इतना ऊंचा दरख्त था, फल जरा बड़े बड़े होते तो कितना अच्छा था। तो बराबर में एक तरबूज की बेल भी थी जिसके पत्ते छोटे छोटे थे और फल बहुत बड़ा था। बच्चे ने कहा अगर ये तरबूज ऊपर लगता तो कितना अच्छा होता। इतनी देर में एक आम टूट के दरख्त से उसके सर पर गिरा, टन से आवाज आई। अब बच्चे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह ताला ने तरबूज को आम के दरख्त पर क्यों नहीं लगाया। एक आदमी दीनदार था और नेक, और उसका आखिरी वक्त आया, इंतकाल हो रहा था। और एक आदमी बददीन था, ईमान पे नहीं था, उसका भी वो भी आखिरी वक्त आया। दोनों अपने अपने घर में लेटे हुए हैं और रिश्तेदार पूछ रहे हैं आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरे करें। तो जो आदमी बिस्तर मर्ग पर, और वो मुसलमान भी नहीं था, उसने कहा कि मेरा मछली खाने को दिल चाहता है। उस वक्त पूरे शहर में मछली की कोई मार्केट नहीं थी, बंद थी, घर में मछली नहीं थी और कोई दरिया वगैरह में भी मछली नहीं थी। तो ये हकायत है बुजुर्गों की कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा कि इसके घर में जो तालाब है, पॉन्ड, उसके अंदर एक मछली लाके डाल दो। तो उनको नजर आ गई, अरे मछली आ गई, तो उसको पकड़ के पकाया, उसको खिलाया और वो आदमी मर गया, मछली खा के दुनिया से चला गया। और दूसरा जो एक दीनदार आदमी था, उससे पूछा गया कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। उसने कहा जैतून का तेल, जैतून मिल जाए तो अच्छा है। तो उसकी अलमारी में बराबर में जैतून का तेल पड़ा हुआ था। तो कबल इसके कि वो उसको दिया जाता, एक फरिश्ते को भेजा कि वो अलमारी में से वो बोतल गिरा दो। बोतल गिर के टूट गई। उस आदमी का दिल बेचारा हसरत से चूर चूर, मरते वक्त भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उसी हाल में इंतकाल। आगे जो उसका किस्सा बताते हैं हिकमत का, कि वो असल में ऐसा था कि वो आदमी जो दीनदार नहीं था लेकिन दुनिया में उसकी एक नेकी बाकी थी, उसने एक नेक काम किया था, कुछ सदका खैरात किया होगा, और अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि कयामत में वो नेकी लेकर के आए, इसलिए उस नेकी का बदला उसको मछली खिला के दुनिया में ही पुकार पूरा कर दिया कि आखिरत में अपने बाकी गुनाह के साथ आए वहां पे निपट लेंगे। और जो दीनदार आदमी था, बाकी तो जिंदगी दीनदारी की थी लेकिन एक उसके पास कोई गुनाह था और अल्लाह नहीं चाहते थे कि आखिरत में वो गुनाह लेकर आए, इसलिए उसकी जैतून की बोतल तोड़ के, उसके दिल को तोड़ के अल्लाह ने वो वाला गुनाह भी माफ कर दिया। ये हमारे इलाके का किस्सा है, शहर का, बैक होम, कि एक बच्चा खेल खेल में उछल कूद कर रहा था और हाथ पैर लाते चला रहा था, हत्ता कि उसने अपनी अम्मी को चोट मार दी। अम्मी अस्पताल में चली गई, लोग बच्चे को बड़ा नाराज किए, इसने पता नहीं क्या कर दिया, माँ को ही पीट दिया। तो डॉक्टरों ने जब इलाज करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि अम्मा के पेट में बहुत बड़ा कैंसर था जो पहले किसी से मालूम नहीं था, और इस वजह से अब वो मालूम हो गया अचानक, और उसकी ट्रीटमेंट हो गई, दवा हो गई, ऑपरेशन, अब वो कैंसर ठीक कर गया आखिरी मिनट में। तो अब लोग उस बच्चे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि तूने तो बड़ा जबरदस्त काम किया, अम्मा को लात मार दी। तो कोई वाकया होता है, उसकी क्या वजह है इंसान के जहन में। एयरपोर्ट पर मुसाफिर आया, थोड़ा लेट हो गया या ओवर बुकिंग हो गई, तो जहाज़ की कंपनी ने कहा सॉरी, दरवाज़ा बंद, आपको सीट नहीं मिलेगी, जहाज़ उड़ गया। अब ये मुंह लटका के रो रहा है, मेरा बिजनेस ख़राब हो गया, मैं कहाँ पहुँचूँगा, लेट हो जाऊँगा। थोड़ी देर में खबर आई कि जहाज़ क्रैश हो गया और सारे लोग मर गए। अब ये आदमी दुनिया में इससे ज़्यादा खुश कोई आदमी है ही नहीं, मैं तो बच गया। तो इस वक्त जो है आदमी को मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा, इसलिए जो है अल्लाह की बड़ाई में, अस्कार में लगो, कुरान शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो और नेक नेक कामों में लगो, तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआओं में लगो, और जितने अस्कार हैं, 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह 70 मरतबा नज़र रहमत से देखेंगे,
और बात दरूद शरीफ है कि उनको पढ़ने से 80 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। बाज दरूद शरीफ है कि उनको एक दफा पढ़ो तो क्या मिलेगा, 10,000 दरूद का सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफजल सलावात। इसी तरह बाज दरूद शरीफ है उनको पढ़ो तो 6 लाख दरूद का सवाब मिलेगा। अब इन चीजों को, ये चीजें वज़ाइफ की किताबों मिलती हैं, लेकिन जो असल मजमून बताया जा रहा है कि भाई परेशानी को परेशानी मत समझो। तो इसलिए जो है ये हलकों और दर्स का मकसद कोई अरबी ग्रामर या कोई चीज़ सिखाना नहीं है, बल्कि अपने दिल के सोच के जाविये को बदलना है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के समझ लीजिए, याद रखिए कि दिलों को चैन मिलता है अल्लाह के जिक्र से। सिर्फ अल्लाह का जिक्र है जिससे दिलों को खुशी और चैन मिल सकता है। खूब इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार के कितने सीखे हैं, 40 इस्तिग़फ़ार की तो हदीस की किताबें मिलती हैं। और सुबह शाम बहुत सारे इस्तिग़फ़ार हैं, नमाज के अंदर भी इस्तिग़फ़ार है, नमाज के बाद भी इस्तिग़फ़ार है। जो आदमी चाहे कि उसको अच्छी चीज़ें मिलें दुनिया में, माल दौलत जायदाद बेटे बाग, तो उसको चाहिए कि खूब इस्तिग़फ़ार करें। और ये नूह अलैहिस्सलाम की दावत है, सूरह नूह की तफसीर पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते, तुम्हारे लिए बारिशें बरसाएगा, तुम्हारे लिए बागात लगा देगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें बेटे देगा, तुम्हारे लिए नहरें चला देगा। एक इस्तिग़फ़ार पे 5 वादे की सूरह। और दुनिया में जितनी खराब चीजें हैं, बीमारी परेशानी मुश्किल मुसीबत दुश्मन, उनसे बचने का तरीका है कि खूब इस्तिग़फ़ार किया करें। और वो सूरह अनफाल में उसका वादा है, वमा काना, कि अल्लाह ताला अजाब नहीं देंगे जब तक कि ये लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो एक इस्तिग़फ़ार से दुनिया के सारे काम बन गए। परेशानी में इत्मीनान कल्ब के लिए दरूद तो नजीना पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़्ज़ी लना जमी अल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यिआत व तरफ़ऊना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, हमारे सरदार और आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औलाद पर रहमतें नाजिल फरमाइए, ऐसी रहमत जिसके ज़रिए हमें तमाम खतरात और आफतों से नजात अता फरमाइए और हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा दीजिए और तमाम गुनाहों से पाक फरमा दीजिए और हमारे दर्जात बुलंद फरमा दीजिए और हमें ज़िंदगी और मौत के बाद सारी भलाइयों की इंतहा पर पहुँचा दीजिए। बेशक आप हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। हर काम की खैर मांगें, अल्लाह से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, हम इस काम के काबिल नहीं थे, ये अल्लाह का फजल और करम है और इस काम के लिए जो इल्म और ताकत और सलीका चाहिए वो मेरे अंदर नहीं है, तो ऐ अल्लाह अपने फजल और एहसान से इस काम में सिद्क और इखलास डाल दीजिए, हमें पकड़कर सीधे रास्ते पर चला दीजिए और इस काम में जो खैर और बरकत है वो अता फरमा दीजिए, जितने शर और फितने हैं उनको दूर फरमा दीजिए, उसको अपनी रहमत से कबूल फरमा दीजिए, फलाह दारैन दुनिया आखरत में भलाई का जरिया बना दीजिए और ऊंची ऊंची नियतें अता फरमाइए और शैतान और नफ्स से हिफाजत फर दीजिए। खूब सदका करें कि बला और सदका में कुश्ती होती रहती है। दो चीज़ें ऐसी हैं, दुआ और सदका, ये बला और मुसीबत को हटा देती है और दुआ तकदीर को भी बदल सकती है। तकदीर कहाँ से? अल्लाह के यहाँ से आई, और दुआ अल्लाह की बारगाह में है कि अल्लाह आप ही हाकिम है, आप तकदीर को ही बदल दी। सहाबिया ने अपने बच्चे को जिंदा करवा लिया, बच्चा मर गया था, सहाबा ने कफन दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मा को ही बताया है, अम्मा आ गई, देखा बच्चा कफन में है, लोग नमाज जनाजा दफन की तैयारी कर रहे हैं, गुस्ल भी दे दिया है। अम्मा ने कहा नहीं 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 वो तो बैठ गई दुआ करने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं कहा कि आप दुआ कीजिए, इतना उनको यकीन होता था अपनी दुआ के ऊपर। उन्होंने कहा अल्लाह मुझे ये बच्चा वापस चाहिए। वो बच्चा कफन से बाहर आ गया, रूह पड़ गई, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में जिंदा रहा है।
अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ज़िंदा रहा है, उमर रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ज़िंदा रहा है, ऐसा किस्सा होता है। सहाबा सहाबियत के किस्से पढ़ो कि दुआ तकदीर को भी बदल देती है और बला सदक़े को फलांग नहीं सकती। जो आदमी जो मर्द मस्जिदों को आबाद करते हैं, बला उन नमाजियों से हटा दी जाती है, इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह खूब, इसमें दुआओं का सबक अलहदा है और नफ्सियात का सबक अलहदा है। और आगे के जो कोई वाकया पेश आए उसकी परेशानी में मत पड़ो। एक किसान था गांव में, किसान है, सबके पास जानवर हैं। किसान बेचारे का मुर्गा मर गया तो घर में सब उदास हो गए, अरे मुर्गा ही मर गया। अगले दिन उसका कुत्ता भी मर गया तो और उदास हो गया, मेरा कुत्ता भी मर गया। फिर अगले दिन उसका गधा भी मर गया, सारे जानवर मर गए। अब ये बेचारा परेशान, सब रो रहे हैं, मेरे तो सारे जानवर मर गए। अगले दिन किस्सा हुआ कि दुश्मन ने उस गांव पे हमला कर दिया और दरख्तों में जहां जहां घर छुपे हुए थे, किसी का मुर्गा बोल रहा था, किसी का कुत्ता बोल रहा था, किसी का गधा बोल रहा था, सारे घर मालूम हो गए। उन सारे घर जाके लूट लिए, सिर्फ इनका घर बच गया, इसमें कोई आवाज नहीं थी। तो कल का वाकया कैसे मालूम होगा, उसके उसमें ना पढ़ो, बल्कि जो आज का वाकया है उसके आदमी उसमें पढ़े। मैं आपको इंडिया का किस्सा सुनाता हूँ, यहाँ हल्का तो सिर्फ 1 घंटे का होगा, ये किस्सा और ये टॉपिक 2-3 हफ्ते चलता रहेगा, इसलिए खुद भी तशरीफ लाएं और सब लोगों को इसमें सुनने की तौफीक अता फरमाएं। कि जिन घरों में परेशानी होती है तो फिर वो मस्जिदों में जाके और उलमाए कराम इमाम साहबान दसियों बीसियों घंटे लोग अपनी परेशानियां बताते रहते हैं, लेकिन जो उसका हल है, जो इलाज है, उसको 1 घंटा बैठ के सुने, उसके नोट्स लिए, उसको दूसरों को पढ़ाएं, तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। ये इंडिया का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि इंडिया में मुसलमानों ने 14 सदियों में से 700 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की। हमारी तो बादशाहत रही है, आजकल नहीं है तो क्या है। 14 सदी में 700 साल तो मुसलमान बादशाह आए हैं। दिल्ली के तख्त पर 49 किंग, 49 बादशाह आए हैं और गए हैं, 12 रॉयल फैमिली। उसमें से एक था सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। ये सन 1246 से 1265, 19 साल तक बादशाह रहे हैं, 1246 से 1265। उनकी मलका जो उनकी बेगम, ये दोनों बहुत ही नेक थे। बादशाह सलामत क्या करते थे कि सरकारी खजाने से कुछ तनख्वाह नहीं लेते थे और फारिग वक्त में कुरान मजीद लिख के उससे किताबत करके अपनी रोजी कमाते थे। अब कुरान मजीद की किताबत से कितना मिलेगा, तो आमदनी कुछ ज्यादा नहीं होती थी। घर की जिंदगी बड़ी गरीबाना थी। बादशाह के घर में कोई नौकरानी या बावरचन नहीं थी। घर का सारा काम मलका को खुद करना पड़ता था। मलका को, दूर की बात नहीं है ये, देखो इससे पहले तो मैं 2 किस्से सुनाता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम की लाडली बेटी, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, घर के काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए, निशान पड़ गए। वो आई कि जरा कुछ मुझे कोई खादिम मजदूर दे दे, तो आपने तस्बीह फातिमी सिखा दी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का। और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए, सारे 50 मुल्कों पे बादशाह हैं ये, और उनकी बीवी फातिमा वो तो 7 वास्तों से शहजादी। अब्बा बादशाह रह चुके, भाई बादशाह रह चुके, कितने शौहर बादशाह हैं बादशाहों के खानदान में। तो उनसे आते ही कहा कि तुम्हारा तो ये सारा जेवर, ये तो पब्लिक मनी है, ये तो सब वापस करो। बादशाह सलाम, उनके घर में बच्चियां प्याज रोटी खाती, और ईद के दिन जो है उन्होंने ईद को खजानची से एडवांस मांगा तो खजानची ने उनको एडवांस नहीं दिया। उन्होंने कहा बादशाह सलामत क्या उसकी उम्मीद है कि आप आइंदा भी जिंदा रहेंगे, अगले महीने भी जॉब करेंगे, तो हम आपको पैसे एडवांस क्यों दें। तो बादशाह भी वैसा था, घर वाले भी वैसे, और खजानची भी वैसा था। तो ये तो जब हम पहले ज़माने के किस्से बताते हैं तो लोग कहते हैं आज के बताओ, तो फिर इंडिया के किस्से। तो इंडिया का ये बादशाह, उसकी घर वाली जो थी मलका, घर के सारे काम खुद करती थी। जब ये बच्ची अपने अब्बा के घर में थी, जो और बहुत बड़े सरदार थे, जो आगे चल के हिंदुस्तान के बादशाह खुद बने, और जब शौहर का इंतकाल हो गया तो उसके बाद 25 साल तक तो अब्बा बादशाह रहे, यानी इनके खानदान में 44 साल तक तो ये बादशाह रही।
19 साल इनके शौहर बादशाह रहे और उसके बाद 25 साल अब्बा बादशाह हो गए। तो ये कहती थी कि अपने शौहर को कहा कि देखो, जब हम अपने घर में बच्ची थे तो मैंने अपने घर में कभी रोटी नहीं पकाई थी, लेकिन मुझे तुम्हारे यहाँ रोटी पकानी पड़ती है। कई दफा मेरे हाथ जल जाते हैं, उसमें छाले पड़ जाते हैं। मैं मलका हूँ, आप बादशाह हैं, एक नौकरानी मुझे दे दी। ये इंडिया का किस्सा है, दिल्ली के तख्त का। बादशाह रोने लगा, बादशाह रोने लगा, कहने लगा कि दुनिया गुजर जाने वाली है, इस तकलीफ को बर्दाश्त करके सब्र करो, कयामत के दिन अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा। मेरी आमदनी बहुत कम है, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, और तुम्हारे लिए नौकर का इंतजाम करना मुमकिन नहीं है। रहा सरकारी खजाना, ये तो लोगों का हक है, मैं उसका मालिक नहीं। अब सोचो, 700 साल कैसे अल्लाह ने उनको बादशाहते दी। ये इंतजाम वाले लोग, इंतजाम वाले लोग थे। शेख मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्ला अलैह ने किस्सा लिखा है कि अल्लाह ताला रिस्क किस तरह पहुंचाते हैं। दो बुजुर्ग जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर सोया हुआ है। आगे गए तो देखा कि जानवर अंधा है, उसकी तो आंखें ही नहीं है। तो सोचने लगे कि ये खाएगा कहाँ से, इतना बड़ा जानवर, इसको तो कितना गोश्त चाहिए, अंधा है, नजर भी नहीं आता। इतने में एक कौवा उड़ता हुआ आया, इतने में एक कौवा उड़ता हुआ आया। कौवे की चोंच में गोश्त का बहुत बड़ा टुकड़ा था। उसने आके अपने पर उस जानवर के कान पर मारे, मियाँ उड़ जाओ। उड़ गया वो, मुंह खोलो, कौवे ने गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। बुजुर्गों ने कहा ये हमारी इबरत के लिए काफी है, अल्लाह ताला रिस्क किस तरह पहुंचाती है। और आगे गए तो जंगल में एक झोपड़ी देखी, और वहां एक बुढ़िया थी जिसके पास कोई सामान नहीं था। दरवाजे पर एक पत्थर पड़ा था, सिल का बट्टा, और उसके अंदर एक सुराख था। एक पत्थर है, उसमें प्याले की शक्ल का एक सुराख। और बुढ़िया इबादत में, नमाज में मशगूल थी। नमाज के बाद झोपड़ी से बाहर निकली, उनके हाथ में दो रोटियां और कुछ खजूरें थी। उन्होंने कहा ये तो है मेरा खाना रात का, तुम अंदर जाओ, जो चीजें मिले खा लो। ये अंदर गए तो इन दोनों के लिए दो दो रोटियां और खजूरें रखी हुई थी, और वहां पर दूर तक न कोई रोटी न कोई खजूर का इंतजाम था। अब खाना खा लिया, पानी का क्या होगा, बुर्जा के पास ना कोई बर्तन ना सामान। इतने में एक बादल आकर बरसा, और जो उस पत्थर में सुराख था प्याले की शक्ल का, वो पानी से भर गया। लो जी पानी पी लीजिए। पत्थर के अलावा किसी और जगह बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा, उस पत्थर के ऊपर। पत्थर के अलावा उसका जो पत्थर, उसमें बारिश नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बुढ़िया से पूछा कि अम्मा जी आप कितने साल से यहाँ रहती हैं। बुढ़िया ने कहा 70 साल से रहती। और उन्होंने फरमाया कि 70 साल से मेरे मौला का मेरे साथ यही हाल है जैसा तुम देख रहे हो, कि हर रात ये बदली आकर बरसती है, सर्दी में भी और गर्मी में भी, और ये दो रोटियां और खजूरें रोजाना आकर मिलती हैं। अल्लाह ताला इस तरीके से पालते हैं, जब अल्लाह ताला पालने पर आए, अल्लाह ताला इस तरीके से पालते हैं। अल्लाह, गम ना करें, अगर आप मोहताज हैं तो दूसरे भी कर्जदार हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर ही नहीं है। आपके पास मुसीबतें हैं तो कितने लोग हैं साल भर से अस्पताल में पड़े हैं। अल्लाह, और गम नहीं करें, बीमारी दूर हो जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, गुनाह माफ हो जाएगा, कर्ज अदा हो जाएगा, कैदी छूट जाएगा, जो गायब है वो आ जाएगा, जो मोहताज है वो मालदार हो जाएगा, काले बादल छट जाएंगे और अंधेरी रात रोशन हो जाएगी, और आंधी तूफान में सुकून हो जाएगा, और तेज चलने वाली हवा रुक जाएगी, आपकी मुसीबतें खत्म होने वाली है, और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है, और आपका मुस्तकबिल रोशन होने वाला है। एक नाबीना अदीब थे, एक नाबीना ब्लाइंड आदमी थे, बच्चे
उनका नाम महमूद था, उन्होंने बहुत सारी किताबें, मजल्ले, मैगजीन और अखबार पढ़े। कैसे पढ़े? लोगों को जमा किया कि मुझे पढ़ के सुनाओ, मैं नाबीना हूँ। बाज औकात एक दूसरे को सुनते सुनाते रात के 3-3 बज जाते। इतनी मेहनत की नाबीना ने कि दुनिया भर की किताबें लोगों से पढ़वा के सुन रहा है, दूसरे की आंखों से। और इल्म व फन और इल्म व अदब और सहाफत के मैदान में बहुत ही ऊंचे बन गए। ऐसा भी होता है, कितने आपको मुजिद मिलेंगे, इजादात करने वाले, कि वो कोई नाबीना है, कोई पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कि कोई जो है वो सुन नहीं सकता, लेकिन काम ऐसा करता है। मट्टी में जो कीड़ा होता है उसको भी अल्लाह रिस्क देते हैं, चुड़िया जो घोंसले में है अल्लाह उसको खिलाते हैं, परिंदे खाली पेट निकलते हैं शाम को भरे पेट आते हैं, पानी में जो मछली होती है उसको अल्लाह ताला खिलाते हैं, पानी के बिल्कुल गहराई में, तह में, जहाँ पे रोशनी भी नहीं पहुँच सकती, अंधी मछली होती है, उसको भी उसकी मर्जी का खाना खिलाते हैं। उसको नहीं कहते यार राशनी है, दूसरा खाना खाओ। जिस जानदार को जो पसंद है अल्लाह ताला उसको खिलाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में था कि चट्टान पर पत्थर मारिए, 7 पत्थरों के अंदर चट्टान में एक कीड़ा बैठा हुआ था और उसके मुंह में एक सब्ज पत्ता था और वो अल्लाह की तारीफ कर रहा था और खा रहा था। सुभान मई यरानी, कि ये अल्लाह ताला पाक है जो मुझे इस हाल में भी देखता है, इस हाल में भी देखता। अल्लाह, एक शेख थे, शेख किश्क अल अब्दुल हमीद, बेहतरीन खतीब थे और नाबीना थे, ब्लाइंड थे। तो खुतबा देने के लिए आए और मिंबर पर आए और जेब से खजूर का एक पत्ता निकाला, खुद नाबीना है, नजर नहीं आ रहा, वो खजूर का पत्ता ऐसा लाए थे जिस पर लफ्ज अल्लाह कुदरती तौर से लिखा हुआ था। यानी वो पत्ता जब बना तो उसके अंदर लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ बन गया। वो पत्ता लाए और खुतबे में अपनी क्लास में लोगों को जेब से निकाल कर दिखाए और कहने लगे कि इस तरोताज़ा पौधे को देखो, किसने उगाया, किसने सरसब्ज कर दिया, वो अल्लाह ही है जिसकी कुदरत जो चाहे कर सकती। वहाँ हाजरीन में जितने लोग थे सारे लोग थाड़े मार मार के रोने लगे। तो भाई ये किस्सा है कि आदमी परेशानी के अंदर भी ज़रा अच्छी बातें इख्तियार करे। जिन चीज़ों की वजह से परेशानी लग रही है अल्लाह से बातें करें, अल्लाह ताला करीम है, सबको दे देते। अल्लाह, तमाम दुनिया की अगर आदमी खूबसूरतियां जमा कर ले, जेवरात जमा कर ले, अच्छे खाने पकवान जमा कर ले और अच्छे रंग बिरंग के कपड़े जमा कर ले, महल और कालीन जमा कर ले, खुशियां तफरी जमा कर ले, तो कितने दिन चलेगा? एक तो ये मुख्तसर है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दूसरे ये कम है और ये ऑर्डिनरी है, दुनिया की चीज़ें सैंपल हैं। जो आखरत में मिलने वाला है वो हमेशा है, बहुत ज़्यादा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंची क्वालिटी का है। इंसान बेवकूफ़ ने अभी देखा ही नहीं है, इसलिए दुनिया के नुकसान को नुकसान समझता है। इसलिए अल्लाह से लौ लगाएं और इसीलिए बुज़ुर्ग अल्लाह वालों की बातें सुनी जाती हैं, कि कोई सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि दिल का रुख पलटने के लिए। हमारे इलाके में जो मरहूमीन दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ फरमाएं। हमारे पड़ोसी साथी, उनके अब्बा इंतकाल फरमा गए कल, वो साथी अभी इंडिया तशरीफ़ ले गए हैं, अजी शुएब साहब, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उनके अब्बा को, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं और अल्लाह ताला तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं और उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक, या अव्वल अव्वलीन व या आखिर अल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिम अल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक्तदिर मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। ऐ अल्लाह, तमाम ईमान वाले इंसानों और जिन्नात की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اے اللہ, جو لوگ ایمان پر نہیں ہیں ان کو ایمان عطا فرما دیجئے, تمام ایمان والوں کو تقوی والا بنا دیجئے,
दुनिया भर में जितनी मखलूकात दुआएं कर रही हैं, जितने लोग दुआ करके जा चुके, और जितनी कयामत तक दुआएं होंगी, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से भी कबूल फरमाइए। तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ रहमतें बरकतें उतर रही हैं, हरमैन शरीफ़ैन में, मसाजिद में, रात के आखिरी पहर में, रमदान और हज में, इल्म और जिक्र की मजालिस में, अल्लाह के रास्ते में, जहाँ जहाँ रहमतें उतरती हैं, ऐ अल्लाह हम सब मोहताज हैं, हमें भी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया की ज़िंदगी में दायमी अमन सलामती अता फरमाइए, और तमाम हादसात और परेशानियों बीमारियों से हमें पनाह अता फरमाइए। तमाम मखलूकात के शर को हमारे पास से हटा दीजिए। सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए। वक्त में बरकत अता फरमा दीजिए। ज़ाहरी और बातनी रिज़्क़ को बढ़ाकर अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दुनिया भर में जितने सुन्नत तरीक़े मिट रहे हैं, उनको दोबारा ज़िंदा फरमा दीजिए। जितनी बुराइयां मुनकरात बढ़ रहे हैं, ऐ अल्लाह उनको दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जितने लोग परेशान हाल हैं, बीमारियों में हैं, ऐ अल्लाह दिल में सुकून, चैन, आसान रिस्क, सेहत सलामती अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जितने घरों में झगड़े हैं, नफरतें हैं, उनको मोहब्बतों से बदल दीजिए। आपस में खैरख्वाही, इकराम, एक दूसरे की हमदर्दी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो लोग रिस्क के लिए परेशान हैं, आसान रिस्क अता फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा ला तुफर्रिक जम'अना हाजा इल्ला बिज़म्बिन मग़फूर व सा'यिन मशकूर व 'अमलन सालिहन मुतक़ब्बलिन मबरूर बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफूर। सुभान रब्बिका रब्बिल 'इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल 'आलमीन।